गुड मॉर्निंग गाइज, जो आज की वीडियो होगी गाइज वो होगी ये नए लॉ के ऊपर जो आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, कि आप लोग लीगली 20 प्लस आवर्स काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो बेसिकली। सो बंदों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि हम लोग कितने घंटे काम कर सकते हैं एग्जैक्टली, हमें बताओ किन किन लोग एलिजिबल है, लोगों को नहीं पता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सो वीडियो पूरी देखो, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के बीच में मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो बहुत एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सो वीडियो के एंड तक देखना अच्छे से, पूरी वीडियो देखो तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। सो अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया अगर अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं ये बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी के लोग ये अनलिमिटेड आवर्स जो फुल टाइम लीगली काम कर सकते हैं इसमें एलिजिबल है। नंबर वन जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स की है जो ऑलरेडी कनाडा में है, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, जो ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं बेसिकली। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली ये वाले फुल टाइम काम करने के अंदर एलिजिबल है। ये नवंबर 15 के बाद अनलिमिटेड आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं लीगली। नंबर टू जो कैटेगरी है वो है वो स्टूडेंट्स की जो अभी इंडिया में है, कनाडा आए नहीं है, उनका वीज़ा आ चुका है, जो यहाँ पे अभी आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, तो ये लोग भी ये चीज़ के अंदर एलिजिबल है। जब भी ये लोग यहाँ पे लैंड करेंगे तब से नवंबर 15 के बाद वो फुल टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं लीगली। और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो उन लोगों की है जिन लोगों ने अक्टूबर 7 से पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया था। अगर आप लोग अक्टूबर 7 के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप ये फुल टाइम वाले में एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आप लोगों ने अपना अक्टूबर 7 से पहले वीज़ा फाइल कर दिया है, वीज़ा अप्लाई कर दिया है IRCC को, देन यू आर एलिजिबल। वीज़ा नो डाउट आपका आया हो ना आया हो, दैट डजेंट मैटर। बट अगर आप लोगों ने अक्टूबर 7 से पहले अप्लाई कर दिया है तो आप ये वाले फुल टाइम अनलिमिटेड आवर्स लीगली काम करने वाले चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, आप लोग काम कर सकते हो जब भी आप लोग यहाँ पे कनाडा में आते हो। तो आई थिंक आप लोगों के डाउट्स ये कौन कौन लोग एलिजिबल है इसमें तो क्लियर हो गए, ठीक है। बिकॉज IRCC की वेबसाइट में हर चीज़ अवेलेबल है, जाके खाली वेबसाइट में आप लोग को सर्च करना है, वहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। नंबर टू ये है कि बहुत बंदे पूछ रहे थे कि हम लोग कितने आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, बिकॉज फुल टाइम का मतलब होता है कि 40 आवर्स आप लोग काम कर सकते हो। बट अगर गाइज आप लोग IRCC के वेबसाइट में जाके देखते हो तो 40 आवर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आप लोग जितने घंटे लीगली काम करना चाहते हो कर सकते हो, 40 आवर्स का कोई लिमिट नहीं है। आप लोग 60 आवर्स, 70 आवर्स, 80 आवर्स जितना काम करना चाहते हो कर सकते हो लीगली, नो वरीज। अब मैं जो मेन ये वीडियो मैंने बनाई थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, उसके बारे में बात करूंगा। सो पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं कि फुल टाइम काम करने के एडवांटेजेस क्या है। अब पहले क्या होता था गाइस कि जब हम लोग पार्ट टाइम काम करते थे, मैं अपनी ही बात लेता हूं, जब मैं कुछ महीनों पहले यहां पे आया था और पार्ट टाइम काम करता था तो मैं महीने में अराउंड लाइक $1200-1300 कमा लेता था लीगली, ठीक है। तो जब $1300 या $1200 आप लीगली कमा लेते हो तो आपके खर्चे विंडसर के अंदर $500-600 के आसपास ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। बट अगर आप लोग टोरंटो में रहते हो तो आपका खर्चा $700-800 होगा। सो ये खर्चा वर्चा ग्रोसरी ये सब हटाने के बाद आपके पास बचेगा मुश्किल से $300-400, ठीक है, एवरी मंथ। सो ये $300-400 जो डॉलर है ये कुछ इतना ज़्यादा सेविंग नहीं है, इससे आप लोग अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकते। बट ये जो नया रूल आया है ये रूल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा पैसों के, डॉलर्स के कमाने में, ठीक है। बिकॉज जब फुल टाइम काम करेगा इंसान तो ऑब्वियसली 1200-1300 डबल हो जाएगा, $2000 पर मंथ वो कमाएगा, उसके कैपेसिटी के ऊपर कितना खींचता है। सो हम लोग 1300 को डबल कर लेते हैं, 2600 पकड़ लेते हैं, तो $2500-600 जब आप लोग महीने में कमाते हो और आपके खर्चे तो उतने ही रहने वाले हैं, खर्चे तो ऑब्वियसली कुछ इंक्रीज़ नहीं होने वाले हैं। सो खर्चा मैं पकड़ लेता हूँ $700 या $800 सारा प्रोविंसेस के हिसाब से। विंडसर एक्चुअली चीप है तो यहाँ पे खर्चा कम होता है, बट दूसरे प्रोविंसेस में ज़्यादा खर्चा होता है। सो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम $800 पकड़ लेते हैं खर्चा, फिर भी आप लोग $2000 या $1500-1700 के आसपास अच्छा खासा पैसा मंथ में बचा सकते हो फुल टाइम काम करके। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग लोन लेके इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका फाइनेंशियली बैक होम इतना स्टेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स को इतना अच्छा नहीं है पैसों के मामले में, तो वो लोग यहाँ पे अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं और अपने बैक होम अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर सकते हैं पैसा देने यहाँ से सेंड करके। सो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा रह जाएगा उन लोगों के लिए जो लोगों की सिचुएशन फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नंबर टू एडवांटेज जो है वो है कि फुल टाइम एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब मैं यहाँ पे आया था मैं अपने फील्ड में काम करना चाहता था, मैकेनिकल के फील्ड में मैं यहाँ पे गया बहुत सारे शॉप्स में और मैं पूछ रहा था लोगों को कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ फुल टाइम। बट उनका प्रॉब्लम क्या था, वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि हम लोग को पार्ट टाइम स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, अगर फुल टाइम वाला कोई है तो हमको सेंड करो, हम फुल टाइम वाले बंदे को हायर कर लेंगे।
सो ये जो पार्ट टाइम का जो 20 आवर्स का लिमिट था ना, ये मेरे को हर जगह पे, बहुत जगहों पे रोका था इसने, बट अब वो जो लिमिट है वो हट चुका है, तो ये ऑब्वियसली मुझे रोकेगा नहीं अभी फुल टाइम मेरे फील्ड में काम करने से। और आई थिंक कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे फ्यूचर में, ऑब्वियसली वो लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बिकॉज जब भी आप लोग कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी या अपने फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में जाओगे, सो वहाँ पे यही चीज़ वो लोग कहते हैं कि फुल टाइम हमको बंदे चाहिए, ना कि पार्ट टाइम। 20 आवर्स किसी को नहीं चाहिए, सबको मंडे टू फ्राइडे कोई काम कर सकता है ऐसा ही बंदा चाहिए। सो ये एक रास्ता खुल जाएगा, सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइज वो लोगों के लिए जो लोग अपने फील्ड में काम करेंगे, बिकॉज एक बार अगर आप लोग पढ़ाई करते करते वो जॉब करते रहोगे फुल टाइम, सो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो लोग आपको वर्क वीज़ा में भी वहीं पे जॉब दे देंगे, और वो जॉब ऑब्वियसली $15-16 पर आवर की नहीं होगी, आपके स्किल अगर अच्छे होंगे तो $20-$30-$40 पर आवर की जॉब्स होगी। सो ये एडवांटेजेस है गाइज फुल टाइम काम करने के। अब मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ, बट डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने से पहले, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक अनाउंसमेंट करनी है, एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करनी है मुझे आप लोगों के लिए। सो बेसिकली गाइज मैं अपना कोर्स लेके आ रहा हूँ, मेरा कोर्स 22nd ऑफ अक्टूबर को लॉन्च होगा और लाइव जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो लिंक पे प्रेस कर सकते हो और जाके चेकआउट कर सकते हो वो कोर्स किससे रिलेटेड है, बिकॉज मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें और भी अपलोड करने वाला हूँ, सिर्फ वो कोर्स नहीं है, बट अभी फिलहाल मैंने वीज़ा SOP से रिलेटेड कोर्स डाला हुआ है। सो सबसे पहला जो मैं कोर्स लूँगा लाइव, वो वीज़ा SOP से रिलेटेड होगा। एंड लेट मी बी क्लियर, ये सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड नहीं होंगे, लाइव होंगे, वेबिनार्स है। सो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, वन ऑन वन हम लोग बातचीत कर सकते हैं और अच्छे से बैठ के मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करूँगा, बिकॉज एकदम मैंने कोर्स स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, कम लोग आएंगे। सो जितने ज़्यादा लोग अभी आ सकते हैं रजिस्टर करा ले, आप लोग के बेनिफिशियरी रहेगा, वन ऑन वन अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं। सो मेक श्योर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जा सकते हो आप लोग, और वहाँ पे जो अभी वीज़ा SOP से रिलेटेड एक कोर्स है, अभी फिलहाल एक ही आया है। सो मैं 22nd ऑफ अक्टूबर, टाइम अभी मैंने अनाउंस नहीं किया है, टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब स्टोरी पे भी अनाउंस कर दूंगा, जब 22nd ऑफ अक्टूबर के कुछ दिनों पहले मैं अनाउंस कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग जाके रजिस्टर करा लेते हो, प्री रजिस्टर करा लेते हो, और प्राइस भी बहुत मिनिमम है गाइस, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंने नहीं रखा है, बहुत सिंपल है, सारे अफोर्ड कर सकते हैं। और कोई कंसल्टेंसी को आप जाके पैसा दोगे, उससे बेटर है कि आप मेरे ये वाले कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाओ। सो आप लोग अच्छे से यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा मैं वेबिनार के अंदर। सो यही था, और मैं अपने वेबसाइट के ऊपर और कौन से कोर्सेज लेने वाला हूँ ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो ये तो जो कोर्स है वो वीज़ा SOP के बारे में, उसके बाद IELTS से रिलेटेड आएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आएंगे, और आप लोग के दिमाग में ये डाउट ज़रूर आएगा कि यार तू तो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे सारी चीज़ें डाल चुका है, तो अभी ये वेबसाइट चालू करने का क्या पर्पस है। देखो, चीज़ें तो मैंने सारी अपने वेबसाइट पे या YouTube चैनल पे डाल दी है, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं वो अपने वीडियोज़ पे अपलोड नहीं कर पाया था, वो सारी चीज़ें रह गई थी, अब मैं उसके ऊपर नए वीडियोज़ बना के अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। सो इसलिए मैंने एक जगह ओपन की है वेबसाइट, जहाँ पे मैं वेबिनार्स कंडक्ट करूँगा और वेबिनार से रिलेटेड सारी चीज़ें लाइव सेशन में डिस्कस होगी, तो जो आप मुझसे पूछते जाएंगे वो मैं वन ऑन वन लाइव में आपको बताता जाऊँगा। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये कोर्सेज के अंदर मिलेगी, ये एडवांटेजेस है, और वेबसाइट के बारे में सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जो भी कुछ इंटरफेस मैं आप लोगों को अभी मेरे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप लोग जाके प्री रजिस्टर करा लेते हो, और यही अनाउंसमेंट थी गाइस जो मुझे करनी थी, और काफ़ी टाइम से हम लोग इसके पीछे काम कर रहे थे, कुछ महीनों से मैं लगा हुआ था ये चीज़ के पीछे, एंड आई थॉट इट विल बी यूजफुल टू स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर आप लोग प्री रजिस्टर करा लेते हो, और अपने जो भी फ्रेंड्स है जो आने वाले हैं फ्यूचर में, वो लोग को भेज देते हो, ताकि उनको हेल्प मिले रखे। 600 रुपीज़ में आप लोग को हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा मेरे वीडियोज़ के अंदर। सो मेक श्योर आप लोग वहाँ पे आ जाए, और YouTube तो ऑब्वियसली मेरा चलता रहेगा, तो वहाँ पे तो मैं चीज़ें डालता रहूँगा। सो ये है। अब गाइज मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। डिसएडवांटेजेस सबसे पहला जो रहेगा वो है कि पढ़ाई जो है वो साइड हो जाएगी, बिकॉज पढ़ाई में लोग ध्यान देना कम कर देंगे। अब जब ये चीज़ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ही आपको दे रही है कि लीगली आप लोग अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, सो लोग ऑब्वियसली डॉलर्स के पीछे भागेंगे, पढ़ाई को थोड़ा साइड कर देंगे, प्रोजेक्ट साइड कर देंगे, स्किल साइड कर देंगे। सो इससे क्या होगा, इससे अभी कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में जब आप लोग वर्क परमिट पे आओगे, तब जब आप जॉब मांगने जाओगे, तब वो कंपनीज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो आपको क्वेश्चंस पूछेगी और आप लोग को नहीं पता होंगे। सो $15 पर आवर की जॉब के चक्कर में आप लोग $30-$40 की जॉब खो बैठोगे। सो मेक श्योर गाइज जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो तो ये ट्रैप में ना फंस जाओ अनलिमिटेड आवर्स के, पढ़ाई को बैलेंस करते करते जॉब भी बैलेंस करते करते चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब मत करो या आवर्स मत करो, आवर्स ज़रूरी है गाइज, 30 आवर्स मिनिमम वीक के अंदर काम करो, अगर गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप लोग 40-50 आवर्स लीगली काम कर सकते हो, सो मेक श्योर आप लोग 30-35 आवर्स लीगली काम करते हो, उससे आपका काफ़ी अच्छा पैसा बच जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा आप महीने में कमा लोगे।
सो मेक श्योर ये चीज़ आप कर लेते हो। और पढ़ाई तो ऑब्वियसली 30 आवर जब काम करोगे तो 3 दिन काम करोगे, उसके बाद पूरा वीक पढ़ाए आप लोगों के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है वो सारी चीज़ें करने के लिए। सो मेक श्योर आप लोग ये चीज़ें कर लेते हो। खाली जॉब के चक्कर में पढ़ाई को एकदम साइड मत कर देना, बिकॉज अगर आप लोग आगे फ्यूचर का सोचने जाओगे तो ये चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प नहीं करेगी। ये तो 2 साल का गेम है, पार्ट टाइम जॉब 2 साल का गेम है, रहने का, पढ़ाई 2 साल का गेम है, उसके बाद सारा कुछ फुल टाइम पे डिपेंड करता है। तो मेक श्योर आप लोग ये गलती ना करो। एंड उसके बाद जो गलती होगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये चीज़ करी है, बट मेरे हिसाब से इससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3-4 लोग एक जगह पे काम करते, एक शॉप में काम करते हैं, एक्स नाम का शॉप है, वहाँ पे 3 बंदे काम कर रहे हैं। अब वो 3 बंदे अभी तक तो पार्ट टाइम काम करते थे, तो 7 डेज में से एक बंदा 20 घंटे, मतलब 2 दिन काम करता था 10-10 घंटे, दूसरा बंदा 2 दिन काम करता था 10-10 घंटे, और तीसरा बंदा 2 दिन काम करता था। सो मंडे ट्यूजडे एक करता था, वेनसडे थर्सडे एक करता था, और फ्राइडे सैटरडे एक करता था। ठीक है, तो अच्छा खासा शॉप ओपन रहती थी, बंदे भी खुश थे, 20-20 घंटे उनको मिल रहे थे, ओनर भी खुश था, सारा कुछ सही था। बट अब ये लॉ जो नया गवर्नमेंट ने निकाला है अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स 3 बंदे वहाँ पे शॉप में काम कर रहे थे, वो 3 बंदों के जगह पे एक ही बंदा फुल टाइम काम करेगा, और दूसरे बंदों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वहाँ काम करने की। बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जॉब कर सकते हो। बट कॉलेज में इस तरीके का सीन नहीं है, कॉलेज में पूरा दिन कॉलेज रहती है एवरी डे। सो यूनिवर्सिटी वाला बंदा क्या करेगा कि बोल देगा जॉब के ओनर को जाके कि मैं भाई फुल टाइम काम कर लूँगा, मुझे जितने आवर तू वीक में दे सकता है दे दे, मैं काम, और दूसरे 2 बंदों को ऑब्वियसली ओनर यही प्रेफर करेगा कि एक बंदा उसके लिए काम कर रहा है तो उसी को रखे, रैदर देन दूसरे बंदों को भी वहाँ पे हायर करे। सो होगा क्या, वो बंदा ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा और दूसरे 2 जो बंदे थे वो 2 बंदे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और ये हर तरीके के अलग अलग जगह पे शॉप्स में होने लग गया, तो सोचो आप लोग क्या हालत होगी यहाँ पे। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो मुझे, मैं भी कुछ टाइम पहले सोच रहा था इस चीज़ के बारे में कि ये गवर्नमेंट कर तो रही है बट एक्चुअली में इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो तो अभी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना कि कम होगा। सो आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो ये डिसएडवांटेजेस लगे गाइज मुझे, एक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना और दूसरा पढ़ाई को लोग साइड करके बैठ जाएंगे। सो मेक श्योर ये 2 चीज़ों में आप, ये 2 ट्रैप्स में आप लोग फंसते नहीं हो, अपना काम करते रहते हो, पढ़ाई और जॉब दोनों हैंडल करते रहते हो। सो ये था गाइज आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग को मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को मुझे फॉलो नहीं किया मिस्टर पटेल 908 पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे नई नई स्टोरीज में एवरी सिंगल डे या ऑल्टरनेट 2-3 डेज में एक बार अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो यही था गाइज आज के वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।